और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। मनोज सिन्हा ने आखिरकार प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के मसले पर बात की। एलजी ने बताया कि श्रीनगर में कल इस सिलसिले में मीटिंग होगी। सरकारी इंतजामिया का कहना है कि वो मुफ्त में बिजली सप्लाई नहीं कर सकता है। एलजी के मुताबिक वो नहीं चाहते कि सार्फिन को नुकसान पहुंचे, इसलिए अमीरों को अदायगी करना पड़ेगा। मनोज सिन्हा कहते हैं कि भारी बिलिंग के बशमूल हम तमाम मसाइल को हल कर सकते। एलजी मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया कि वो गरीबों का खास ख्याल रखेंगे। करके मुझे कल कुछ प्रतिनिधि मंडल मिले थे, हमारे अफसरों ने भी, खासतौर से डिवीजन कमिश्नर ने मुझे ब्रीफ किया है। कल श्रीनगर पहुंच करके हम संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। एक बात का हम आश्वासन देते हैं जनता को कि उनके हितों के विरुद्ध कुछ हो ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं। ये भी सच है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भारत सरकार से पिछले 4 वर्षों में लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली दी गई। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में हमने काफी ऑगमेंटेशन किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग समर्थवान हैं, जो बिजली बिल दे सकते हैं, उन्हें बिजली बिल देना चाहिए। अगर गरीबों की बात आएगी तो हम जरूर एक फैसला लेंगे कि गरीबों को कैसे मदद की। लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि हुकूमत व्हाइट कॉलर दहशतगर्दों, हाइबर दहशतगर्दों और ओजीडब्ल्यूज पर दरकार सख्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे गद्दारों के खिलाफ बीजेपी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है। ठाकुर कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती को अक्सर ऐसे गद्दारों के दिफा में सामने आए देखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर पीडीपी सदर की तरफ से ट्वीट किए जाने पर ठाकुर ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा ने ऐसे बयान दे देकर गिलानी की जगह ले ली है और ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की तर्जमान बन चुकी है। मुझको पहले ये इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, सिलेक्ट टू कौन है? क्या जो दहशतगर्द है या जो व्हाइट कॉलर मिलिटेंट या दहशतगर्द जो सरकारी आफिसों पर रह के गवर्नमेंट की सैलरी ड्रा करते हुए फिर दहशतगर्द और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्या उसी को वो सिलेक्टिव टारगेटिंग कहती है? देखिए, मोदी गवर्नमेंट का या भारतीय जनता पार्टी का पहले से एक ही पॉलिसी रही है कि मिलिटेंट दहशतगर्द किस रूप में हो, चाहे वो गन उठा के हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर हो, चाहे वो हाइब्रिड में, इनको रूट आउट करना ये हमारी पॉलिसी है। और आपने देखा कि पहले पहले जहां ये दहशतगर्दी का जो इकोसिस्टम चलता था, जो मिलिटेंट गन लेके चलता था, तो उसको हलाक किया जाता था, लेकिन फिर भी मिलिटेंसी में कोई फर्क नहीं आता। जब से गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में या जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स है या जो व्हाइट कॉलर मिलिटेंट्स है, जब उन पर शिकंजा कसा गया, तब से मिलिटेंसी जो कश्मीर में चल रही थी वो सबसे निचले लेवल पे आ गई। उसमें चाहे सज्जाद बजाज हो या और कोई हो या किसी भी शेप में किसी रूप में हो, हमारा तो संकल्प है मिलिटेंट और मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर से खत्म करना। आज अगर आप जम्मू कश्मीर में अमन देख रहे, हालात देख रहे, ये तो उसी पॉलिसी का नतीजा है जिस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफिसर्स में रैकी करके देखा गया है कि मिलिटेंसी के संपर्क, दहशतगर्दों के जो हमदर्द है, जो अंदर गवर्नमेंट सिस्टम में रह के पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी और जो दहशतगर्दी है उसको यहां चला रहे हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे हैं और जो यहां रिक्रूटिंग करा रहे हैं, उसमें सज्जाद बजाज भी एक है। बड़ी मेहनत लगी है एजेंसियों को इस को रूट आउट करने में और बहुत सारे प्रूफ इसके मत आप उनके आर्टिकल्स देखिए या उनकी जो कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के साथ, तो उस बेस पे जब पूरी तहकीक के बाद ये बात वाजी आ गई कि सज्जाद बजाज जो एक बैंक एम्प्लॉय था, जो दहशतगर्द और पाकिस्तान का एजेंडा यहां चल रहा था दहशतगर्दों का सपोर्ट कर, और कल गवर्नमेंट ने उसको टर्मिनेट कर दिया, बहुत अच्छा कदम है। हम इसका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और साथ साथ इस बात से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो बार बार हम कहते थे कि महबूबा जी है वो दहशतगर्दों की सपोर्ट करती है और पाकिस्तान की सपोर्ट करती है, जब भी किसी दहशतगर्द या किसी दहशत ओजीडब्ल्यू या व्हाइट कॉलर मिलिटेंट को पकड़ा जाए तो महबूबा उस वक्त आवाज उठाती है जब कोई आर्मी वाला शहीद होता है या कोई सिविलियन को मिलिटेंटों के जरिए उसको मारा जाता है, दहशतगर्दों के मारा जाता है या कोई जम्मू कश्मीर पुलिस का, तब महबूबा आवाज नहीं उठाती है। पाकिस्तान का एजेंडा गिलानी के बाद अगर अब कोई चला रहा है तो वो महबूबा मुफ्ती है जो यहां दहशतगर्द और पाकिस्तानी एजेंडा को लेकर चल रही है। मुझे लगता है कि अब वो वक्त बहुत करीब आ चुका है कि जिस तरह से अब गवर्नमेंट ऑफिसेज या व्हाइट कॉलर मिलिटेंट्स या हाइब्रिड मिलिटेंट्स पे एक क्रैकडाउन जो गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट को जो पॉलिटिकल लेवल पे है, जो बड़े बड़े पोस्टों पे रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे रहे, उन पे भी एक क्रैकडाउन करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेन स्ट्रीम का आड़ लेके दहशतगर्दों की कौन यहां मदद करता और पाकिस्तानी एजेंडा कौन सा, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होनी चाहिए।
कश्मीर में अमन अमान बरकरार है, मगर इंतजामिया अमन अमान को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा हो रही है, लोग आ रहे हैं और खुशी से वापस लौट रहे हैं। इसी दौरान एक सहाफी ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त आर्टिकल 370 को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं कोई इकदाम किया गया, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम पहले दिन से ही आर्टिकल 370 पर काम कर रहे हैं। Why are you worried about normalcy? Amarnath Yatra is taking place. People are coming. They're going happily back. People in Pahalgam who haven't earned for many years during the time of COVID, at least they're earning something. What more do you want to know? नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुदोजहद कर रही है आर्टिकल के लिए, लेकिन 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तब आपने कोई पहल क्यों नहीं की आर्टिकल को मजबूत बनाने के लिए? कैसे चुने पत्र ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में हर वक्त हाथ खाते जुदोजहद कर मानता कि से मुखबिर बिहित थी अनकॉन्स्टिट्यूशन हटोव अवे सुप्रीम कोर्टस मजहद कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मरा हुआ इंसान लौट के नहीं आता है, क्या कहना चाहेंगे? कई मरे हुए इंसान भी वापस आ गए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है जिनके पास कोई होश आवाज नहीं था, पल्स भी नहीं थी, अल्लाह ने उनको फिर से जिंदा किया। अल्लाह हमारे तरफ है, इंशाल्लाह हमें मदद करेगा। जम्मू कश्मीर बैंक ने चीफ मैनेजर सज्जाद अहमद बजाज को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। सज्जाद अहमद बजाज पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम है। बट मालो श्रीनगर के रहने वाला सज्जाद अहमद बजाज साल 1990 में कैशर कम क्लर्क के तौर पर भर्ती हुआ था। बाद में उन्हें चीफ मैनेजर के तौर पर तरक्की दी गई। इस दौरान चीफ मैनेजर सज्जाद अहमद बजाज पर ISI और दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम करने का इल्जाम है। कई महीनों के तवील जांच के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ। तहकीकात के बाद बैंक इंतजामिया ने उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि हर शहरी को हमारे मुल्क के आईन पर अमल करना होगा और जो भी शख्स मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम करेगा उसे हर सूरत सजा दी जाएगी। LG ने JK बैंक के चीफ मैनेजर की बरतरफी पर कहा कि न सिर्फ कश्मीर में बल्कि राजौरी और पूंछ बैलेट जैसे इलाकों में भी दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए उनकी हुकूमत पुरअज़्म है और हमारे फोर्सेज इस जमन में पूरी सलाहियत रखती है। LG मनोज सिन्हा जम्मू में चौथे ग्रीन जम्मू कश्मीर का इफ्तिदा करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जम्मू IIM में LG ने शजरकारी की। इस मौके पर JMC मेयर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। LG ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की आवाम को हिदायत दी। LG ने कहा कि कुदरती वसाइल और माहौलियात के तहफ्फुज के लिए पौधे लगाना जरूरी है। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव पर एक किताब जारी की। मनोज सिन्हा ने याद दिलाया कि वेदों ने भी दरख्तों और कुदरती माहौल के तहफ्फुज की ताकीद की है। देखिए, भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो 311 का जो प्रोविजन है, उस समय के हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, सरदार पटेल हों, सबने ये व्यवस्था रखी थी कि जिन तत्वों से स्टेट को खतरा है, जो इंटीग्रिटी के लिए खतरे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके, और पूरे साक्ष्य के साथ कार्रवाई की गई। और इसलिए कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जिसका भी टेरर इकोसिस्टम से संबंध रहा है, जिसने भी आतंकवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, गलत तरीके से अगर वो सरकारी नौकरी में आया है, तो जब जब प्रमाण मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उन्हें निश्चित रूप से उनके खिलाफ विधिक ढंग से कार्रवाई की जाएगी। कल मैंने NHAI के चेयरमैन को शाम को कहा था कि ये ज्वलंत मुद्दा है, जेन्युइन बात है, पुल टूट जाने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि वो अपनी टीम भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इसका फैसला करें। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जिसका निष्कासन हो, इको सिस्टम का हिस्सा था, इसलिए निकाला गया। ये माहौल सुधरेगा नहीं, माहौल सुधरा हुआ है।
ये सच है कि प्रारंभिक दिनों में कश्मीर एक चिंता का विषय था, इसलिए 360 डिग्री अप्रोच के साथ कश्मीर डिवीजन पर ज्यादा फोकस था फोर्सेस का। अब सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके को भी 360 डिग्री अप्रोच के साथ देखना शुरू किया है। कुछ सफलताएं मिली हैं, आने वाले दिनों में और बेहतर सफलता मिलेगी। मैं समझता हूं कि उसमें हमारी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच बेहतर तालमेल है और अच्छा काम हो रहा है। जब चुनाव की डेट तय करेंगे सबसे पहले आपको चाय पिलाकर बताएंगे। लद्दाख में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लद्दाख के लोगों ने बताया कि यहां चीनी फौज इलाके में घुस आई है और उनकी चरागाहें छीन ली गई है। राहुल गांधी का कहना था कि पीएम मोदी ने तो कहा कि एक इंच जमीन भी नहीं ली गई, लेकिन ये सच नहीं। कांग्रेस लीडर का कहना था कि इस हकीकत के बारे में आप यहां किसी से भी पूछ सकते हैं। Over here, the concern is, of course, the land that has been taken away by China. And people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away. And also lack of connectivity here, cellular connectivity. So, nahin, yahan pe to sab log keh rahe hain ki China ki sena ghusi hai aur inki jo pehle jo grazing land hoti thi, wo le gaye hain. वहाँ ये जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाकर सियासत की जा रही है, जो कि तश्वीश का बाइस है। उन्होंने कहा कि हालिया उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है और उनकी छवि को भी खराब करने की कोशिश की गई। डोडा अनंतनाग में आज पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद हुआ, जिसमें सीनियर लीडरान जीएम सरूरी, ताज मोहिद्दीन आजाद के फर्जन सद्दाम आजाद, आरएसएचएब गुलजार अहमद वानी, मोहम्मद अमीन भट्ट, सलमान निजामी, डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गौरसी, चौधरी हारून के अलावा पार्टी तर्जुमान और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे मौजूद रहे, जिन्होंने वर्कर्स से खिताब किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने कभी भी दिल से यूटी को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जल्दी स्टेट का दर्जा बहाल होगा। उन्होंने कहा कि मैं वजीर आला के ओहदे के लिए नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए काम करता हूं। गुजारिश करूंगा जितने इलेक्शन नजदीक आएंगे तो उतने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाए, इससे पहले कि वो शेर में जो बोलने वाला था, लेकिन मैं जो इस वक्त बोल गया कि जितने उसे जुड़ा हुआ दूसरा शेर है कि जितना नजदीक इलेक्शन आएगा उतना आवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह के हजारों वीडियो आ जाए। उसकी वजह है चंद लोग दिलों में आग रखते हैं, लबों पे गुलाब रखते हैं। चंद लोग दिलों में आग रखते हैं लेकिन लब जब बोलते हैं उसपे गुलाब रखते हैं, मीठा बोलता है। यहां सब अपने चेहरों पे दोगा नकाब। डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आजाद ने आज डूरू अनंतनाग की इस सरजमीन पे अपने वर्कर्स से खिताब किया। ताहम अपनी तकरीर में काफी वो मोहतात रहे और उन्होंने हालिया दिनों हिंदू मुस्लिम इशू को लेकर जो हालिया बयान दिया गया था उस पे भी अपना मोहतियात रद्द अमल जाहिर किया और कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि उन्होंने मुनाफरत की सियासत को जो है करारा जवाब देने की कोशिश की और अपनी तकरीर में कहा कि आजकल की सियासत जो है वो मजहब पर जो है वो मबनी है और मजहबी इशूज़ को इस्तेमाल करके सियासत की जा रही है। हालांकि उन्होंने जो मीडिया है मीडिया से बात करने से इनकार किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आइंदा जो भी इंतखाबात होने वाले हैं उनमें आवाम को गुमराह करने की भी कोशिश की जाएगी। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डूरू शाहबाद, अनंतनाग।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर गुलाम अहमद मीर ने एलजी इंतजामिया पर तनकीद की। उन्होंने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के घर में नजरबंदी के बारे में मुबैना तौर पर सफेद झूठ बोलने पर मनोज सिन्हा को निशाना बनाया। जीए मीर ने आज अनजहानी राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीन की दरअंदाजी के हवाले से राहुल गांधी का मौकफ बिल्कुल दुरुस्त है। मजहब के बारे में गुलाम नबी आजाद के हालिया बयान पर उन्होंने तनकीद की। गांधी जी जब पार्लियामेंट में बोलते थे, कांग्रेस जब बोलती थी, सवाल खड़ा करती थी, तो आपके पास तो रिकॉर्ड है, देश का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहता है एक इंच भी हमारी सरजमीन पर चाइना नहीं आया। और ये राहुल गांधी जी ने पहले भी विद प्रूफ वहाँ पेश किया था, और आज वो बजाय खुद वहाँ पर है। आज पूरे लद्दाख के लोग उनसे मिल रहे हैं, और मुझे जहाँ तक भरोसा है वो उनको वो जग्राफिया भी दिखा देंगे, वो एरिया भी दिखा देंगे कि पहले हमारी सरजमीन, हमारे चरागाह कहाँ तक होते थे, हमारा देश का कब्जा कहाँ तक था, और उसमें से कितने सौ किलोमीटर चाइना अंदर आ चुका है जहाँ लद्दाख के लोगों को जाने में ममानियत है। तो इसलिए वो वहाँ हफ्ते पर हैं ताकि देश देखे, मीडिया देखे, और उनके वो सारे साथी देखें कि प्रधानमंत्री कह क्या रहा है और ग्राउंड पर हो क्या रहा है। तो इसलिए उन्होंने वहां पर ये विजिट रखा। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्त। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 16 चैनल्स, 15 लैंग्वेजेस। जाना कहां सीएम में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो त्याग पत्र दे दें हेमंत सोरेन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष की खबरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बताया अंदरूनी मामला। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा जेएमएम और कांग्रेस में तालमेल की कोई कमी नहीं। दिल्ली दरबार में कांग्रेस नेताओं की किरकिरी पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने ली चुटकी, कहा सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता और विधायक दोनों निराश। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय का बड़ा दावा, कहा राहुल गांधी अमेठी सीट से लड़ेंगे चुनाव, प्रियंका गांधी जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगी, कार्यकर्ता अपनी पूरी जान लगा देंगे। चाचा और भतीजे में बढ़ चुकी एनसीपी पर अब कब्जे की असली लड़ाई हो रही है शुरू। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह किसका होगा, इसे लेकर अजीत पवार और शरद गुट ले रहा है कानूनी सलाह। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक, सीएम गहलोत सचिन पायलट समेत सभी 29 सदस्यों का टिकट बंटवारे पर मंथन। राजस्थान बीजेपी में हर सीट का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड, 5 राज्यों के 200 विधायक राजस्थान में डालेंगे डेरा, 7 दिन तक विधानसभा क्षेत्रों में कैंप। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का करारा प्रहार, कहा डर्टी पॉलिटिक्स कर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस, बीजेपी विकास के मुद्दे पर लड़ेगी चुनाव। चुनावी जंग से पहले बीजेपी शासित राज्यों के विधायकों का मध्य प्रदेश में डेरा, भोपाल में हो रही 230 विधायकों की ट्रेनिंग, सभी
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज बख्शीपुरा के ईदगाह हलका में जलसा रखा था। कारकुनान की तरफ से मुनाकिद इस इजलास से पार्टी सदर सजाद गनी लोन ने खिताब किया। इस दौरान सजाद लोन ने पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। न्यूज 18 ने उनसे महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले भी हर हुकूमत ने ऐसा ही किया था, इसीलिए मैं इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। याद रहे कि पाकिस्तान से रवाबित या दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के इल्जाम में हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर रही है। ईदगाह में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा कन्वेंशन था। मैं मुबारकबादी देता हूँ इरफान साहब को, इरफान मतू साहब को, बहुत ही अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशंस से बहुत बढ़कर एक बहुत आला कन्वेंशन था। बड़ी खुशी महसूस हो रही है। अच्छा सर, एक बार इलेक्शन होगा सर? अल्लाह करे हो, हमारी तो दुआ है कि जल्द से जल्द जो लोगों की लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो हुकूमत। हम देखिए, हम एक पटिशनर हैं, कुछ ही पटिशनर हैं वादी से, हम भी हैं उसमें। हमारे वकील साहब राजीव धवन साहब ने एक बहुत अच्छा डिफेंस दिया। बस अब अल्लाह के बाद हमारी बस ये एक दुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छा जो है, इंशाल्लाह आना चाहिए और आएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन। इसमें मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक और बात ऐड करता हूँ कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि सब सरकारों ने कश्मीरी एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही निकाला, सब सरकारों ने। शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के पटन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जंगम पटन में एक खेलकूद के मैदान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तबा शय बरामद की। इसके बाद उन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया और बाद में नाकारा बना के इसे नुकसान के बीडीएस ने इसे नाकारा बना दिया। बताया जाता है कि ये हैंड ग्रेनेड था। इस मामले को देखते ही फौज की 29 आरआर बारामूला पुलिस और दीगर एजेंसियां जाए वारदात पर पहुंच गई। वाज़ह है कि कुछ हफ्ते पहले जंगम में एक ऐसी ही शय पाई गई थी जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उसे तबाह किया था। और इस खबर पर बराह रास्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, ये बताए कि मुश्तबा कोई शय पाई गई थी और बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर पहुंच गए, उसे नाकारा बना दिया, पूरी तफसील आपसे चाहेंगे। देखिए मुनजा, ये दूसरा मामला है शुमाली कश्मीर के पटन में, और कुछ हफ्ते पहले भी वहाँ जो जंगम का फ्लाईओवर है वहाँ पे एक मुश्तबा शय वहाँ पे मिली है, और आज भी ये पटन के साथ ही जंगम के पास में ही ये जो ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं और वहाँ ये मुश्तबा जब उसका पता चला है तो उसके फौरन बाद वहाँ जो फौज की 29 आरआर है और जम्मू कश्मीर पुलिस है, पटन पुलिस जो है और सीआरपीएफ है और बाकी जो एजेंसियां हैं वो वहाँ पे पहुंची हैं। जब वहाँ पे उसका बाजबता मुआयना किया गया है तो बताया जा रहा है कि वो हैंड ग्रेनेड था वहां पे, और उसके बाद उसको दूसरी जगह पे जो बीडीएस बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उनको तलब किया गया है, उन्होंने फिर उसको दूसरी जगह पहुंचाया है और वहां पे उसको नाकारा बना दिया गया है। और ये पटन में कुछ हफ्ते पहले भी है, मैंने कहा कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह की मुश्तबा शय जो है वो बरामद होते हैं पटन में, और मगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो वहां होशियार है और बाजाबता तौर पर वो कड़े हैं और उनकी जो कड़ी निगाह है इन मामलों को निपटने के लिए और वो किया जा रहा है, और आज भी वही हुआ है। और पटन क्रिकेट ग्राउंड की अगर बात करें वहां पे मुख्तलिफ तरह के बच्चे जो हैं वो खेलने आते हैं, टूर्नामेंट्स वहां पे होते हैं और कॉलेज भी साथ में है, और ये शय जब मिली है तो उसको फौरन कार्रवाई करते हुए जो एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसी है और पुलिस है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो उन्होंने उसे नाकारा बना दिया है और इस तरह जानी नुकसान जो है उस हादसे से लोगों को बचाया गया है। जी मुनजर, बिल्कुल। पहले मैं यहाँ पर मुनीर आपको यहाँ पे दुरुस्त करना चाहूंगी, आपकी बातचीत इस वक्त इंशा से हो रही है और आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इलाके में जब इस तरह का मामला सामने आए तो जो अतराफ में लोग हैं उसमें किस तरह का तश्वीश पाया गया। देखिए इंशा, ये मामला जब होता है और जब ऐसी कोई वारदात सामने आती है तो ऑब्वियसली वहां पे लोगों में खौफ हिरास पाया जाता है, लोग खौफ के मारे रहते हैं, और वैसा ही अब भी हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब हमने पटन में देखा है उस वक्त भी लोगों में काफी खौफ हिरास पाया गया है, और आज भी वैसा ही जो ही ये खबर फैली है कि यहां पे कोई मुश्तबा शय मिली है तो उस वक्त लोग सहमे हुए थे और वहां लोग डर के मारे वहां नहीं जा पाए, और उस वक्त वहां रोक दिया गया है लोगों की नकल हमल
नकल हरकत जो है उसको भी रोक दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उसके बाद उस इलाके को फिर मुहासरे में कर रखा गया था। और जब तक मैं बम डिस्पोजल स्क्वाड जब पहुंचा है, उन्होंने पूरी अपनी कार्रवाई जो की है और उसको वहां नाकारा बना दिया गया। और उसके बाद जो पुर्जे हैं उनको तहकीकात के लिए उन्होंने जमा किया है, अपने साथ ले गए, तो उसके बाद वो तहकीकात होगी है और क्या कुछ इसमें मवाद शामिल था और क्या कुछ है। और इस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो ऐसी जो घटनाएं हैं वारदात जो अंजाम देने की कोशिश की जा रही है मिलिटेंटों की तरफ से, और उन सारी चीजों को निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट है और उनको निमटने के लिए भरपूर अपने जो वहां पे अलर्टनेस है वो दिखा रहे हैं। और ऐसी वारदात से लोगों की जानों को भी बचाया जा सकता है और बचाने की कोशिश भी की जाती है। और जो बाकी जिस तरह से जो कार्रवाइयां अंजाम देने की कोशिश की जा रहे हैं उस पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। जी बिल्कुल मुनीर, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त चाको चौबंद है और हर तरफ से कड़ी नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह का कोई भी नुकसान अवाम के साथ न हो, और जिसमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरी तरह से मुतहरिक है। फिलहाल तफसीलात के लिए मुनीर बेहद शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम के लदर वैली गल्फ कोर्स की शान रफ्ता बहाल करने का सरकार से मुतालबा किया। पहलगाम में न्यूज 18 जेकेएलए से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम के खूबसूरत गल्फ कोर्स में बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से गल्फर्स को सख्त तरीन मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबसरे करने से साफ इनकार कर दिया। उनके हमरा अल्ताफ कुलू, डॉक्टर बशीर वेरी और दीगर लीडर भी मौजूद रहे। अब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। फारूक साहब, खैर मुकदम है आपका, हमें बताइए कि अभी आपने गोल्फ भी खेला, पहलगाम के विजिट किया और पहलगाम का, तो ये बताइए अभी क्या सूरत हाल है गोल्फ कोर्स की अगर हम बात करेंगे, ओवरऑल अगर देखा जाए डेवलपमेंट के हवाले से? जहाँ तक गोल्फ कोर्स का हाल है, वो शुक्र कीजिए कि कुछ होटल वाले उसकी ग्रीन्स को ठीक कर रहे हैं, उसकी हालत बहुत खराब है। और मैं समझता हूँ वहाँ जो क्लब है उसकी हालत पूछिए मत, ताला लगा रहता है तो लोग कैसे अंदर जाएंगे। बाथरूम में आप जाइए, आप खुद देखेंगे वहाँ की हालत क्या है। मैं गुजारिश करता हूँ आपके चैनल से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर उस क्लब को बचाना है तो उन्हें उस क्लब की बिल्डिंग को, यहाँ जितने होटल हैं इनसे बात करके वो उनके हवाले करिए, वो उस क्लब को भी चलाएँगे और वो क्लब बहुत अच्छी तरह से चलेगा और उसका जो रेवेन्यू आएगा एक उससे कुछ परसेंटेज गोल्फ कोर्स के लिए आएगी, उससे गोल्फ कोर्स मेंटेन होगा। नहीं तो ये बेकार में बोल रहे हैं कि ये है वो है, वो नहीं है, ये उन्हीं की कोशिशें हैं जो वहाँ होटल वाले कुछ है जो खेलते हैं जो उसको मेंटेन कर रहे हैं। मेहरबानी करके अगर इसको बचाना है तो इनको बहुत सी कोशिश करनी पड़ेगी। और आज तो प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है खेल इंडिया, खेलो इंडिया जब वो कहते हैं तो उसमें इतना फंड है, क्यों नहीं उस फंड को उनसे लेते हैं इस गोल्फ कोर्स को ठीक करने के लिए। तो स्मार्ट मीटर को लेकर जो है सड़कों पर लोग आए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सर, थोड़ा चलते चलते पॉलिटिकल कल की आई डोंट से एनीथिंग, थोड़ा बहुत अच्छा आपने बोला कि मुर्दे जिंदा हो सकते हैं उस पे सर, पता नहीं मुर्दा कब जिंदा होंगे, मुझे पता यहाँ तो मुर्दे बहुत रहता है। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और हमने कोशिश की कि कुछ जो है पॉलिटिकल सवाल इनसे पूछे, लेकिन इनका साफ लफ्ज में ये कहना था कि इस बार ये पॉलिटिकल जो बयानबाजी है के मूड में नहीं है, उसका जवाब देने के मूड में नहीं है, लेकिन जो यहाँ का गोल्फ कोर्स का मुद्दा है वो उन्होंने ज़रूर उठाया और ये कहा कि गवर्नमेंट को इस खूबसूरत जगह की शान रफ्ता बहाल करने के लिए इकदाम उठाने चाहिए। न्यूज 18 के लिए पहलगाम अंतनाग से मुदसिदा। सोपोर के साबिक एमएलए अब्दुलरशीद डार ने हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके कारकुनान और कांग्रेस लीडरों ने डांगरपुरा सोपोर में उनका वालहाना इस्तकबाल किया। याद रहे कि डार गुज़िश्ता साल गुलाम नबी आजाद की क्यादत वाली डीपीएपी में शामिल हो गए थे, अब वो दोबारा कांग्रेस में आ गए हैं। इस मौके पर उनके हामी और पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में यहां मौजूद थे। यहां साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी 79वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रीन ने कौम की तामीर और सेक्युलरिज्म के लिए राजीव गांधी की खिदमत पर रोशनी डाली।
खिदमात पर रोशनी डाली। अब्दुलरशीद डार ने कारकुनान पर जोर दिया कि वो पार्टी को ग्रॉस रूट ट्रेवल पर मजबूत करे और आने वाले यूएलबी और पंचायत इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए। इस मौके पर कांग्रेस के जिला सदर फयाज अहमद, सीनियर लीडर मोहम्मद इकबाल और तर्जमान शेख आमिर भी मौजूद रहे। कुछ लीडरान जो है हमारे तंजीम से जाकर दूसरी तंजीमों में गए, तो आज हाजी अब्दुलरशीद डार साहब जो DPAP में गए थे, इसमें क्या मामला थे, क्या मसले थे, वो अभी मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन ये हुआ था कि ये उस तंजीम में गए और वहां पर जाकर जो उनका मंसूबा था, जो प्लान था, और यहाँ के कश्मीरी आवाम के खिलाफ एक तंजीम बना दी गई थी मरकज में, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो इकतदार संभाला है, उनके जो फरमान जारी हुए थे, तो उनको तस्लीम करके ये पार्टी वजूद में आई। तो ये जब समझ गए कि ऐसा मामला हुआ है, तो बहुत सारे लीडरान, ना कि सिर्फ हाजी साहब, बहुत सारे लीडरान जो है कि वहाँ पर जाकर ही असलियत बाहर आ गई। तो आज अपने आबाई में कहूँगा कि गाँव में उनकी आज तशरीफ़ आवरी थी, तो उनके ही वेलकम में यहाँ पर लोग आए थे, तो मैंने भी मुनासिब समझा क्योंकि कांग्रेस का तर्जुमान हूँ। सीनियर सोशो पॉलिटिकल कारकुन इमरान अमीन शाह का कहना है कि बायकॉट की सियासत से जम्मू कश्मीर को कुछ हासिल नहीं हुआ और मौजूदा सियासी निजाम में बदलाव लाने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। इमरान शाह ने कहा कि वो किसी सियासी पार्टी से जुड़े बगैर ही इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों की शराकत दारी को यकीनी बनाएंगे। अनंतनाग के अंजरुल्ला इलाके में सियासी कारकुनान के इज्तिमा से खिताब के दौरान इमरान शाह ने कहा कि माजी में सियासी पार्टियों ने लोगों का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि अपनी पार्टी के कई कारकुन उनके साथ शामिल हो गए हैं। फयाज अहमद समेत दीगर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। चाहते हैं हम भी किसी पार्टी के साथ वाबस्ता रहे हैं 15 साल, और हम चाहते हैं खुद भी यहाँ पे एक नया डेमोक्रेटिक सेटअप बने, नए चेहरे सामने आए। अगर हमने कोई सलाहियत नहीं है, लोग किसी और को चुने, लेकिन कोई ऐसे लीडर सामने आए जो खैरखा हो लोगों की, जो ज़मीनी लेवल में काम करें, जो सरकार तक पहुँचाएँ, तो हम भी वही चाहते हैं, हम भी उसी का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसकी बात करें, बायकॉट अगर यहाँ पे हो जाए तो उनसे उन ताकतों को मदद मिलती है जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो ज़मीनी लेवल ख़राब करना चाहते हैं, जो यहाँ पे बंदूक उठाना चाहते हैं, ड्रग्स में यहाँ के नौजवानों को ड्रग्स की तरह धकेलना चाहते हैं। तो मैं लोगों से यहाँ पे जिन्होंने भी आज शमूलियत की, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ग्राउंड लेवल में, ताकि बायकॉट हो और लोग वोट डालें और उन वो चेहरे सामने आए, वो क़यादत सामने आए जो लोगों के यहाँ से गन कल्चर और ड्रग्स से दूर रखें। SIA ने सरकर्दा मंशियात के स्मगलर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। स्मगलर मोहम्मद जावेद की शिद्दत से तलाश जारी थी, जिसे बिलाखिर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। चंद माह कबल 4 नौजवानों का ग्रुप सरहद पार से मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस था। पुलिस ने मौके पर 4 अफराद को हिरासत में लिया। इस दौरान मोहम्मद जावेद फरार होने में कामयाब हो गया था। मोहम्मद जावेद के दिल्ली में छुपे होने की पुलिस को इतला मिली थी, जिसके बाद पुलिस की खसूसी टीम दिल्ली रवाना की गई। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार करने में आखिरकार कामयाब हो गई। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। 6.9 crore दौरा कर केंद्रीय नेतृत्व को देंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों का बीजेपी विधायक करेंगे दौरा। 20 से 26 अगस्त तक 230 विधानसभा सीटों का सभी नेता करने वाले हैं दौरा। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, बिहार में जेल में बंद अपराधी चला रहे हैं शासन, पुलिस वक्त रहते एक्शन लेती तो वारदात नहीं होती।
बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में जंगलराज पार्ट 2 से भी बदतर हालात। जनसुराज के संयोजक प्रशांत, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। Presented by विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। लद्दाख यूटी बनने के बाद करगिल में पहली बार स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप मुनाकिद की गई थी। मुकाबलों में पूरे लद्दाख से तकरीबन 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इवेंट की इख्तितामी तकरीब में लद्दाख के ज्वाइंट डायरेक्टर ने मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। ले ZC और करगिल के बॉयज ने फाइनल मैच खेला। करगिली टीम ने 9 गोल से मैच जीत लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि लद्दाख ने रिवायती खेल हॉर्स पोलो, आर्चरी और आइस हॉकी के लिए खसूसी पैकेज और मंसूबा बंदी की तजवीज पेश की गई थी। और इस बीच डिस्ट्रिक्ट लेवल के लड़के और लड़कियों ने मीडिया के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लाने में हो, चाहे वो पार्टिसिपेशन में हो, चाहे वो इक्विपमेंट लेके हो, तो हर एक चीज को हम लेके डेवलप कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के लिए हम बहुत ही एक अच्छा फाउंडेशन हम यहाँ तैनात कर रहे हैं। ग्रीन जेएंड के ड्राइव के आगाज के सिलसिले में मुनाकिद तकरीब के दौरान LG मनोज सिन्हा ने पंचायत मेम्बरान में उनके मुतलका पंचायत हल्कों में ग्रीन जोन के तस्वीर को नाफिज करने के लिए माली चेक तकसीम किए। ये चेक हासिल करने वाले पंचायत अराकीन ने LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ग्रीन जम्मू कश्मीर के तस्वर को तस्वीर नाफिज करने के लिए अपने माली मदद फराहम की जा रही है। LG मनोज सिन्हा ने आज यहाँ IIM जम्मू में एक प्रोग्राम को हिस्सा लिया, जो ड्राइव था ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर ड्राइव, उसको लॉन्च किया जो 23-24 के सिलसिले में। और उसी बीच इसी फंक्शन में इन्होंने कुछ जो पंच मेंबर्स हैं, जो पंचायत मेंबर्स हैं, उनको चेक्स भी भेंट किए, उनको चेक्स दिए। इसी कड़ी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वंदना कुमारी हैं, ये सरपंच है नागबनी फ्लोरा की, और इनको मिला है, आप देख सकते हैं 1,99,670 मिले हैं इनको, ये जो है मिला है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ से। ये क्यों मिला इनको, जो चेक्स हैं, इसका क्या बेनिफिट है, इनसे बात करते हैं। वंदना जी, न्यूज 18 से बात करेंगे, आपको भी और कुछ और लोगों को ये जो चेक्स मिले हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ये जो पैसा आपको दिया जा रहा है, इससे क्या आप करने जा रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपको एक कमेटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूंगी। जैसे हमारी पंचायतों में विलेज लेवल की एक कम्युनिटी बनाई जाती है, वो कम्युनिटी क्या करती है कि अपने ही एरिया के जो जितने भी हमारे वृक्ष हैं उनकी हम बोल सकते हैं उनकी देखभाल, कि कोई अननेसेसरी उसकी कटिंग तो नहीं कर रहा है। इसी दौरान जब जो हमारे पुराने वृक्ष हो जाते हैं, पुराने जो हमारे ट्रीज हो जाते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि जो सूख जाते हैं, जिनकी कोई पैदावार नहीं रहती है, तो उनको एक टाइम आने पे एज ए एक्ट
उनको कटवाया जाता है। तो ऐसे ही जब वहां पे ये कटिंग हुई है उसका जो 75% जो होता है वो इस कमेटी को हम सरकार देती है, क्योंकि आगे जाके कटिंग के बाद उसमें और डेवलपमेंट की जाए, यानी कि और प्लांटेशन ड्राइव इस अमाउंट से हम अपनी पंचायतों में करवाएंगे। अभी जो आपको ये जो पैसा मिला, क्या आपको लगता है कि ये एक एनकरेजमेंट भी है और आप इस पैसे से जहां आपके पंचायती जोन्स में वहां प्लांटेशन कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि इंक्रीजमेंट तो है, मोटिवेशन तो है कि अगर हम अपने ही गांव में ऐसी कम्युनिटियां बनाएंगे जो हमारे वातावरण को देख रहे हैं, जो हमारे वातावरण की देखभाल कर रहे हैं, तो इससे अच्छी और कोई चीज नहीं होगी। और रही इस अमाउंट की बात, वैसे भी पंचायतों में अब हमारी मेरी माटी मेरे देश के तहत हमारे कितने 75 हमने एक दिन में प्लांटेशन ड्राइव की है, और बड़े ही हमारे पास आए दिन कोई ना कोई ऐसे प्रपोजल आते हैं जिसे हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे होते हैं। और इस चेक के माध्यम से मैं ये कहूंगी कि ये एक पंचायतों को एक मोटिवेशन है कि अपने वातावरण को हम कैसे कह सकते हैं कि सेव कर सकते हैं। एक आगे चल के आपको लगता है कि लोगों को भी इसमें भागीदार बनना पड़ेगा? बिल्कुल सर, अगर हम लोग अपने पंचायतों के खुद भागीदार बनेंगे, अपनी कम्युनिटियों के हम खुद देख रेख करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो दिन कहीं दूर नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, एक सपना है उनका हरियाली। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की साइड से कि पौधों को कैसे हम बचाएं और अपना वातावरण कैसे हम शुद्ध करें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये वंदना कुमारी है, सरपंच है ये नागबनी फ्लोरा की, इनको भी चेक मिला और कुछ और लोगों को जो सरपंच है पंच है उनको भी चेक मिले, और जिस पैसे के जरिए अब जो प्लांटेशन का या ग्रीन जोन बनाने का जो सपना है प्राइम मिनिस्टर का उसको साकार किया जाएगा। और इसी तरह से जो एलजी ने भी कहा है कि पंच सरपंच हों, कॉरपोरेटर्स हों या आम लोग हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। और जो एक ड्रीम है कि हर जगह हरियाली हो, हर घर के सामने प्लांटेशन हो हर जगह, और फॉरेस्ट्स की प्रिजर्वेशन हो, वो भी सुनिश्चित किया जाए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने आज एक निजी तकरीब में शिरकत के लिए जम्मू का दौरा किया। इस मौके पर उनके मदाहों का जबरदस्त रश देखने को मिला। लोग अपने पसंदीदा स्टार को एक झलक देखने के लिए बेताब थे। बहुत से लोगों ने ऋतिक रोशन के मशहूर गानों की धुनों पर डांस भी किया। इस मौके पर ऋतिक रोशन ने कहा कि वो जम्मू के लोगों की मोहब्बत और गर्मजोशी देखकर बहुत खुश हैं और वो दोबारा भी यहाँ आना चाहेंगे। आज बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन जम्मू पहुंचे एक प्राइवेट फंक्शन में हिस्सा लेने। इस मौके पर ऋतिक रोशन ने डांस भी किया और आप जनता देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहां जो लोग हैं जम्मू के वो यहां पहुंचे थे एक झलक पाने के लिए ऋतिक रोशन की। और इतना ज्यादा रश था कि पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी क्राउड को कंट्रोल करने में, और हर कोई चाहता था कि किसी तरह सेल्फी ले ली जाए ऋतिक रोशन के साथ। हालांकि उनको कुछ जो है इस पास का कहीं ना कहीं अफसोस भी रहेगा कि वो सेल्फी तो नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। उनका कहना है कि वो मिलने आए थे, एक झलक पाने आए थे और एक झलक पाकर चले गए हैं। आपको रश दिखाते हैं रोड पे, आप जहां तक देखेंगे आपको केवल एक जनसमूह जनसलाब दिखेगा। आप क्या कहेंगे, आप ऋतिक रोशन से मिलने आए थे फोटो लेने, कुछ हुआ अफसोस कि नहीं सेल्फी ले नहीं पाए? हाँ, अफसोस तो है क्योंकि मैं सुबह से खड़ी हूँ। कितने बड़े फैन हो आप, सब फिल्म देखते हो? मैं उसकी कोई हर मूवी देखती हूँ। अच्छा, सुबह से खड़े थे आप, तो आप देख सकते हैं कि आप रश देखें किस तरह का रश है। यंगस्टर भी आए थे, आप मिलने आए थे लेकिन आप सेल्फी नहीं ले पाए, कुछ अफसोस? मैं देख ही नहीं पाई उनको, मैं स्पेशल मूवी से मिलने आई थी। अच्छा, कितने बड़े फैन है, सब फिल्म देखते हो? हाँ जी, सब फिल्म देखते हो उनकी? हाँ जी सारी, आई एम बिग फैन ऑफ। कितना का रश था यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, देख नहीं पाई थी, कुछ नहीं देख पाई मैं। ये भी स्पेशल है, हाँ ये भी ऋतिक रोशन जी को देखने आया था स्पेशल सुबह से। पाया? हाँ हाँ देखा, इन्होंने काफी करीब से देखा। सेल्फी नहीं ले पाया? सेल्फी नहीं ले पाए, बहुत दुख हुआ लेकिन खुश है, बहुत 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 खुश है। क्या मैसेज देंगे ऋतिक रोशन को? यही कि आया करो मूवीज में, बहुत कम आते हैं वो मूवीज में, हम इंतजार ही करते रह जाते हैं उनकी मूवीज का। क्या कहें, बहुत अच्छा लगा सर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर कल्याण ज्वेलर्स एंड थैंकफुल फॉर देम टू ब्रिंगिंग ऋतिक रोशन एंड मेकिंग आवर ड्रीम कम ट्रू। तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो महिला पुरुष बच्चे सब आज ऋतिक रोशन से मिलने यहाँ पहुँचे, कुछ जो है देख पाए कुछ नहीं देख पाए,
हालांकि सेल्फी लेने की उम्मीद थी सबको, लेकिन उनको दुख हुआ सेल्फी तो नहीं ले पाए, लेकिन दूर से ऋतिक रोशन से मिले और ये कहा है ऋतिक रोशन को कि ज्यादा से ज्यादा आप फिल्में कीजिए और जम्मू की जनता भी आपको देखना चाहती है। कैमरामैन नवैन दत्त के साथ राजेंद्र न्यूज 18 जम्मू। आवाम की आवाज प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला डोडा की रहने वाली ताबिंदा का नाम लिया। ताबिंदा ने एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तयसोनी स्कीम का फायदा उठाकर अपना बिजनेस यूनिट शुरू किया और वो कामयाबी से अपना बुटीक चला रही है। ताबिंदा ने बताया कि पहले वो खुद कोई आमदनी नहीं कमा रही थी, लेकिन इस स्कीम से फायदा उठाने के बाद वो खुद माली तौर से मुख्तार हो चुकी है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी शुक्रिया अदा किया और तमाम लोगों से अपील की कि वो सरकारी स्कीमों का फायदा उठा सके। सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से थैंक यू कहती हूँ कि आवाम की आवाज़ में उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे उस काबिल बनाया। तो किस तरह की ये स्कीम है और कब आपने इस स्कीम को जो है वो ये अपने इस यूनिट के लिए एस्टेब्लिश किया और कब आपको पता लगा कि यहाँ पर इस तरह की स्कीम्स जो है? लास्ट ईयर की बात है, तो मेरे हस्बैंड गए थे कहीं तो उनको पता चला इस स्कीम के बारे में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों ने डाली थी। उन्होंने बताया था इस स्कीम का नाम है तेजस्विनी स्कीम और इसमें हमें 10% सब्सिडी भी मिलता है। तो जब हमने सुना कि सब्सिडी भी हमें मिल रहा है तो हमने बोला इसका फ़ायदा उठाया जाए। और हम फाइनेंशियली भी इतने स्टेबल नहीं थे, मेरे हस्बैंड भी एक कंट्रेक्चुअल जॉब करते हैं, तो मैंने सोचा एक एजुकेटेड वुमेन हो के भी अगर हम कुछ फ़ायदा ना उठा सके तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। तो हमने फिर इस लोन के लिए अप्लाई किया, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में हमारी पहले ट्रेनिंग हुई, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, उसके बाद बैंक का प्रोसेस हुआ तो विद इन वन मंथ हमें मिल गया था, ये पेमेंट मिल गया। विद इन वन मंथ हमने अपना इस्टेब्लिश कर लिया यूनिट, तो माशाल्लाह हमारा यूनिट बहुत अच्छा चल रहा है। स्कीम है जो हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं नई, उनको हम लोन प्रोवाइड करते हैं और अपना कारोबार करते हैं, तो उसी के तहत हमारी दो लड़कियां डोडा से ताबिंदा और नाजिया जिन्हें हमसे जो है स्पॉन्सरशिप ली और अपना कारोबार जो है वो अच्छे से चला रहे हैं और बाकी लोगों को भी जो है वो उनको इनक्रेज कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम यूथ से कि वो सामने आएँ और जो अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं उनका फ़ायदा लें और अपना कारोबार स्टार्ट करें। जो ये अदब काश नाग की जानिब से एनवायरमेंट हॉल हंदवाड़ा में एक पूर्व रकार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर शाद मोहम्मद रमजान, कन्वीनर कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली, साबिका सदर शोबे कश्मीरी कश्मीर यूनिवर्सिटी मोहम्मद अमीन बट, सदर अदबी मरकज डॉक्टर रफीक मसूदी, साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन श्रीनगर, सरपरस्त कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा मीर गुलाम रसूल दरपुरी, गुलाम रसूल बांडी, साबिक सदर अवकाफ हंडवाड़ा और दीगर इस तकरीब में मौजूद रहे। या भाई, एक 2018 की बात थी शायद, तो मैं शेखुल आलम के दरगाह पर था, तो मैंने उसके कलाम को वहां पर बगौर देखा, तो उससे पहले भी मैं उसके कलाम से काफी मुतासिर था और उससे पहले शाहबाज साहब जो हर वक्त अपने बयानों में शेखुल आलम साहब का कोट करते थे, तो मैंने सोचा कि ये कितना खूबसूरत पैगाम है इसमें और यही हमारी असली जो शायरी है यही है। उन्होंने कोशिश की है कि उस सिनफ को दोबारा से जिंदा किया जाए, क्योंकि अब वो सिनफ करीब करीब कोई भी तकलीकार उसको अपनाता नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इस सिनफ को जिंदा किया जाए और ये कामयाब भी हुए। इस तरह से ये एक अहम किताब मेरे ख्याल से है। दूसरा कि शेखुल आलम जो ने जो शलू कहा, शुरू जिसको हम कहेंगे, तो 700 साल में किसी शायर ने कोशिश नहीं की, जुरत नहीं की कि मैं भी शुक लिखूं। तो जावेद अकबाल मारू साहब ने पहली बार ये कोशिश की है। कुछ ऐसे मतलब मामलात के हवाले से हमारी नई जनरेशन को रागिब कर पाए और जिस सलीस जुबान में और जिस तरह से उसमें शेरियत कूट कूट के भरी हुई है, जिस तरह से उन्होंने जिस मेहनत से इस काम को किया है, यहाँ सबसे हैरान रह गए कि हंदवाड़ा इलाके से जिसकी अपनी एक अपनी तारीख है और यहाँ से इस किस्म की आवाज उभर आई। समर का शिक्षा अभियान के जर एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सदनारा सोनवारा में स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों और डेवलपमेंट कमेटियों के लिए एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत जड़ियो हाजी अब्दुल रहीम लोन ने की। इस मौके पर हेडमास्टर सज्जाद अहमद, चेयरमैन सिविल सोसाइटी हाजी बशीर अहमद डार और दीगर भी मौजूद रहे। इस दौरान ड्रॉप आउट एजुकेशन और दीगर मसलों और
पर बात हुई। कम्युनिटी लीडरों में मुख्तलिफ मौजूआत के बारे में हसासियत पैदा करने की कोशिश की गई। Tourism Education Officer Hajim, who today visited our school and take a meeting with the school management committee and village education committee, so that they in future they can take active part for the development of the school. So that there is the bond between students and the parents. This bond should be strong, so that education setup and academic setup our institution will go very high. Program should be organized in each and every school, so that the education setup of government schools will boost. गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में जम्मू कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल की जानिब से कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर मीरगुंड स्कॉस ने इश्तराक से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान सेरिकल्चर शोबे से वाबस्ता किसानों में खाद और दीगर चीजें तकसीम की गई। ہیلپ کرن سنس غریب علاقہ سون یہ غریب علاقہ تو تک برکن تک سن بے روزگار بچہ ام کرن پن روزگار کی حاصل اس ڈاکٹر صاحب شکر گزار تمام لکن شکر گزار یہ پن ٹائم کرو ضائع یت نسن و اور ڈاکٹر صاحب چس بہت کرا گزارش سنس غریب علاقہ کن تھائے خاص خیال بچس مس گزارش کرا یہ تھائے نوٹ کر ام کی پوائنٹ ون بو یہ تھائے نوٹ کر ڈاکٹر صاحب بہت چس سے گزارش کرا اخس گوس اس یت اسن ٹریکٹر ہز آرگینک مینر کرہ چیز ہمیں ایونیوز ہائک کن پکیت برہ کن تہد فیوچر کت کن بنے یم تو بے روزگار تم کت کن ہن پن یونٹ قائم کرت اس ڈاکٹر صبن سٹھا ات مز تہ دل شکر گزار کہ فیوچرس مز تس ست روز اگر امس ست کنیکشن روز کہ سون یہ گام اس پسماند گام سے یہ برہ کن ترقی کرت سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جنہوں نے ہم نے معاونی مدد کر کے اس پروجیکٹ کو یہاں پائی تکمیل تک پہنچانے میں کافی مدد کی ہم اپنے آنریبل وائس چانسلر کے بھی بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں کافی حوصلہ افزائی کی کہ آپ یہاں بارڈر ایریاز میں کام کیجیے اور اس کا ہمیں پھل مل رہا ہے ہم نے اب دیکھا آج کل ہم نے اس ایک پروجیکٹ جو ہے سری کلچر آپشن فار لائیولی ہوڈ سیکورٹی فار ٹرائبل فارمرز آف کشمیر اس کے تحت ہم نے یہاں پہ پلانٹس بانٹے تھے آج ہم نے ان کی سروائیول دیکھی الحمد للہ اٹ از مور دین 90% جس سے ہمیں پورا کلیئر ہوا کہ یہاں پہ اچھا سکوپ ہے سری کلچر کا۔ کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل کے چیئرمین خواجہ فاروق رنزو شاہ نے توصیف کے مقدس مقام ناجی بٹ واگورا بارہمولہ میں صوفی علماء اور عقیدت مندوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ 175 سال قبل ایسے ہی کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ توصیف کے علماء کرام کے علاوہ خواجہ رنزو شاہ نے خورشید احمد وازا اور دیگر لوگ بھی اس دوران موجود رہے۔ تو ناظرین کشمیر نیوز میں آج فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، لیکن مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہیں نیوز 18 جے کے ایل ایچ کے ساتھ۔ آداب۔